हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेंटल वीकनेस के लिए आप कौन सी जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन्स लें। जिनको भी मानसिक रूप से कमजोरी हो, जिनका मानसिक तनाव के वजह से कमजोरी हो, चाहे जो भी वजह रहा हो, उसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे ताकि आपको तुरंत राहत मिले। तो फ्रेंड्स, इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स में आपको जर्मनी की आती है R41, आप R41 का यूज़ कर सकते हैं। तो हम आगे आपको बताएंगे कि आपको R41 में कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपको बहुत जल्दी राहत देगी, और उसके अलावा मेंटल वीकनेस के क्या क्या लक्षण हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा कि आप इस बीमारी से पीड़ित हैं या भी नहीं। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आप तक होम्योपैथ से रिलेटेड वीडियो पहुँचाते रहें। पहला कंडीशन जो मेंटल वीकनेस का होता है वो ये होता है कि जब ह्यूमन बींग्स का जो मेंटल लेवल, यानी कि याददाश्त करने की क्षमता है, इंडिविजुअलिटी कंट्रोल करने की क्षमता है, या समझ की क्षमता है, किसी बात को जब बर्दाश्त करके उसको सही से जवाब दे देना, ये एक स्वस्थ और सक्षम मेंटल या सक्षम व्यक्ति का ही पहचान है। लेकिन जब इस में चेंजेज होता है, यानी मानसिक में परिवर्तन आ जाता है, आपको घबराहट होने लगेगा, आपको आप अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आप अजीब तरह की सोच में खो जाते हैं, तो आपके जो मेंटल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसी को जब डिस्टर्बेंस ऑफ द फंक्शंस के मेंटल को ही हम लोग मेंटल वीकनेस के नाम से जानते हैं। इसके कई वजह हो सकते हैं, मैं आपको एक एक वजह क्लियर और स्पष्ट बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझने में आसान रहे कि मेंटल वीकनेस के कंडीशंस में क्या क्या और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण होता है आपको एंजाइटी। अगर आप एंजाइटी से पीड़ित हैं तो आपको मानसिक तनाव या मानसिक कमजोरी हो सकती है, या अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं, खास करके जब काम वाला डिप्रेशन हो, यानी आप किसी भी बिजनेस से हैं और बिजनेस आपका लॉस कर रहा है या उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके वजह से आप तनाव में रहने लग रहे हैं, तो आपको मानसिक रूप से कमजोरी आना लाजमी है और आपको होगा। इसके बाद होता क्या है कि मेंटल वीकनेस के कंडीशंस में लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, यानी जो विश्वास होता है अपने ऊपर के विश्वास को धीरे धीरे आदमी खोते चला जाता है, उसको लगता है कि वो काम नहीं कर पाएगा जबकि वो कर चुका है। और इसके बारे में मैंने आपको मेडिसिन बताया है, अर्जेंटम नाइट्रिकम हो, और मेटालिकम हो, जेल्सिमियम हो, ये सारी मेडिसिन मेंटल वीकनेस की सबसे बेस्ट मेडिसिन हैं। आगे मैं बताऊँगा कि आपको इसमें सबसे जल्दी राहत कौन सी मेडिसिन देगी और आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो कृपया पूरा वीडियो आप ज़रूर देखते रहें, आपको एक एक लाइन से या एक एक सिम्टम से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आगे हम बात करते हैं, इसमें रुडनेस आना शुरू हो जाता है। जब मानसिक रूप से आदमी कोई भी व्यक्ति कमज़ोर होता जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रूड होते जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होते जाता है, जनरली ऐसा कुछ भी हंसी मजाक वाले माहौल से रहना दूर पसंद करता है। अगर नॉर्मल बात का भी जवाब देना हो तो वो बहुत उखड़ा हुआ जवाब देगा, और ये तब होता है जब कोई व्यक्ति इंसिडेंटली ट्रेवल कर रहा हो या इंसिडेंटली कोई एक्सीडेंट से मीट कर गया। वैसे कंडीशंस में भी आपको रूडनेस या एग्रेशन आ जाता है मेंटल वीकनेस में। तीसरी कंडीशंस होती है कि जो व्यक्ति मेंटल वीकनेस से पीड़ित होता है, यानी जिनको मानसिक रूप से तनाव होता है, मानसिक रूप से कमजोरी होती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या कोई समाज में कोई बड़ा काम हो रहा है, आप अगर उसको दे दें तो वो परेशान हो जाएगा, और वो ले पाने से बहुत भागता है, अकेले रहना पसंद करेगा, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। तो ये भी एक बड़ा लक्षण है मानसिक कमजोरी का। इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ये बीमारी अगर और आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे फोबिया के रूप में डेवलप्ड कर जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैं जब सोता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई आके पास खड़ा हो गया, या जब मैं सो रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा सपना देख रहा हूँ, तो इस तरह की फोबिया होना शुरू हो जाती है। उसको दिमाग में ये लगता है कि अगर ये बात होता है तो मुझे नुकसान होगा, अगर मैं कहीं इधर जाता हूँ, या आज पूरब नहीं जाना चाहिए, कल पश्चिम नहीं जाना चाहिए, तो ये एक तरह की फोबिया डेवलप कर जाती है, आज खास करके उस व्यक्ति के लिए जो मानसिक रूप से कमज़ोर है। इसके बाद अगर अगले मेंटल प्रॉब्लम्स या मेंटल सिम्टम्स की बात करें कि आप में
या जो भी मानसिक रूप से कमज़ोर है उसको क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसके अंदर। तो पहला लक्षण ये होता है कि उसके अंदर डलनेस आ जाएगी, बहुत सुस्त हो जाएगा, अजीब तरीके की स्थिति में रहेगा, न डिसाइड कर पाता है कि कुछ काम करना है और न किसी से पूछ पाता है। तो ऐसे कंडीशंस, डलनेस की कंडीशंस आती है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन आते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जो इससे पीड़ित हैं। अभी हम लोग जो जिस तरह के फास्ट लाइफ जी रहे हैं तो हर वक्त आपको रिजल्ट देना है, चाहे आप कंप्यूटर का एग्ज़ाम ले रहे हैं, स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं और उनको इस तनाव में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उनको लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों के फ्रेंड्स और ऐसे लोगों के पेरेंट्स से मैं खास करके रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दें, वो जितना कर सकता है उसके लिए और उत्साहित करें, उसको समर्थित करें, थोड़ा सा सहयोग करें। निश्चित रूप से आपका मानसिक वीकनेस जो है वो उसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन ले काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए और ऑलरेडी जो घबरा चुका है उसको परेशान करने से आपका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अगर अगली कंडीशंस अगर समझते हैं आप, तो फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा आने लगता है, बात बात पे भूलने की बीमारी आने लगती है। अभी कुछ कह रहा था लेकिन बात करते करते भूल गया, ऐसे कंडीशंस फॉरगेटफुलनेस आपको आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कन्फ्यूजन के साथ साथ सैडनेस होता है, यानी कि कन्फ्यूज रहेगा, उदास रहेगा। ऐसे लोग मेंटल मानसिक रूप से वीकनेस जरूर हो जाते हैं जो अपना किसी करीबी को खो चुके होते हैं, यानी जिनका कोई करीबी खो गया है। एक उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसे पेशेंट अभी लास्ट वीक आए थे जो दो व्यक्ति अपने बाइक से जा रहे थे और जिसमें से एक व्यक्ति एक्सीडेंट मिट कर गया, यानी कि मोटरसाइकिल से दोनों लोगों ने एक्सीडेंट मिट किया, लेकिन एक व्यक्ति जो चला रहे थे उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। जो बच गए अब उनको ये बार बार फोबिया होना शुरू हो गया कि कुछ हो रहा है, कुछ घबराहट हो रहा है, लग रहा है कि गाड़ी पीछे से आके मार देगी। इस वजह से व्यक्ति अजीब तरीके से उदास रहने लगा और उसके बाद मतलब इस बात का उसको हमेशा अफसोस रहता है कि उसके वजह से उसके फ्रेंड की जान चली गई। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि मानसिक वीकनेस यानी कि मानसिक जो कमज़ोरी जो है एक दिन में नहीं होती, कुछ ऐसी घटना होते हैं जिस घटना के वजह से उस व्यक्ति में ये तनाव आना शुरू होता है। आपको मैंने ऑरम मेटालिकम में बताया कि सुसाइडल टेंडेंसी आना शुरू होता है, एल्यूमिनियम में भी बताया कि सुसाइडल टेंडेंसी मन में आने लगता है। तो आप थोड़ा सा कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति है जो जब किसी से बहुत ज़्यादा लगाव करता है, जैसे वो एग्ज़ाम में है, अभी एग्ज़ाम का समय था, आपने बहुत सारे हेडलाइन सुना होगा कि ये व्यक्ति, ये बच्चे ने इतना नंबर या पास नहीं हो पाने के दुख के वजह से सुसाइडल टेंडेंसी कर लिया। तो ये सुसाइडल टेंडेंसी अचानक नहीं आया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बच्चे में मानसिक वीकनेस बहुत पहले से आना शुरू हो गया है। तो आपको या हर गार्जियन को ये ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे की दक्षता को यानी कैपेबिलिटी को देखते रहें, समझते रहें कि कितना है, और जितनी कैपेबल है उतना ही प्रेशर दें तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि आपको सुसाइडल टेंडेंसी जैसी बीमारी से हमारा समाज काफ़ी हद तक मुक्त हो सकेगा। और अगली कंडीशंस अगर हम लोग बात करें तो लास्ट मंथ जब एग्ज़ाम चल रहा था बोर्ड का, तो उस समय एक लड़की 16-17 साल की लड़की पेशेंट के रूप में आई थी, उनके गार्जियन लेके आए थे, और उस सारे केस देखने के बाद मुझे यही पता चला कि वो केस के मतलब एग्ज़ाम देने के फोबिया के वजह से, यानी कि उसको एग्ज़ाम का इतना टेंशन हो गया था कि उसके अंदर साइकोमेटिक डिसऑर्डर होना शुरू हो गया। वो सोती भी थी तो उसको लगता था कि एग्ज़ाम है, और इसके वजह से वो लड़की जो है अपने मानसिक पे कंट्रोल करना छोड़ दी। जो लोग मजबूत दिल के होते हैं, जो लोगों को बीमारी नहीं होती तो उनके लिए बड़ी आश्चर्य की बात होगी कि भला बताइए एग्ज़ाम के वजह से भी कोई पागल हो सकता है। लेकिन हमारे समाज में हर तरह के व्यक्ति हैं, हर तरह के बच्चे हैं, कोई लोग मजबूत भी हैं, कोई लोग कमज़ोर भी हैं, तो ऐसे केसेस मिलते रहते हैं। ख़ास करके वैसे लोगों के लिए जिनको साइकोमेटिक डिसऑर्डर हो रही है, उनको भी मेंटल वीकनेस की समस्या रहती है, और उनके लिए भी R41 बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। तो ये मैंने जितने भी सिम्टम्स बताए हैं, अगर आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स हैं
तो आप R41 जो जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन आती है उसके साथ साथ मैं और मेडिसिन बताऊंगा, आप उसको ले सकते हैं। तो R41 के साथ साथ R41 को आप 10-10 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए। और उसके साथ साथ आप एक और मेडिसिन आती है एसिड फॉस। एसिड फॉस को खास करके इम्पोटेंसी के वजह से अगर बहुत लोगों को तनाव होना शुरू हो जाता है, उनके मन में अजीब तरह का ख्याल आता है कि कुछ बीमारी हो गया है, कुछ क्या हो गया है कि मतलब मैं योग्य नहीं हूँ, तो ऐसे लोगों को R41 लेने के साथ साथ एसिड फॉस 1 mg पोटेंसी में 15 दिन में 1 बार लें और R41 को 10-10 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए। 15 दिन में ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाता है। आगे अगर हम बात करें मेंटल वीकनेस में, R41 के साथ साथ आप एग्नस कास्टस को यूज़ कर सकते हैं। एग्नस कास्टस लैक ऑफ विटिलिटी यानी कि किसी भी सोच को कॉन्फिडेंस में लेने की आदत आपको एग्नस कास्टस में हटती चली जाती है। वीकनेस मानसिक वीकनेस के साथ साथ शारीरिक वीकनेस भी आती जाती है, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आप एग्नस कास्टस 1 mg पोटेंसी में वीक में 1 बार लेंगे और R41 को 10-10 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए, निश्चित रूप से आपको राहत मिल जाएगा। अगर अगली मेडिसिन की बात की जाए तो वो है चाइना। ऐसे बहुत सारे औरतें मिलती हैं जो काम के पीछे खाना नहीं खाती हैं, और बहुत ऐसे मरीज भी मिलते हैं जो बीमारी भोगते भोगते उनकी भूख ख़त्म हो चुकी है, तो वैसे कंडीशंस में उनको शारीरिक कमजोरी तो होगी, उसके साथ साथ मानसिक वीकनेस भी आते चले जाता है। तो शारीरिक कमजोरी के साथ साथ अगर मानसिक वीकनेस है तो आप चाइना 30 का इस्तेमाल दिन में 3 बार करिए और R41 को 10-10 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए, निश्चित रूप से आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। आगे हम बात करेंगे कि मैं बता रहा था आपको कि बहुत ज़्यादा गुस्सेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उखड़ा रहने लगता है, अलग रहना शुरू कर देता है और किसी से बात नहीं करता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो वैसे कंडीशंस के लिए जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जो थोड़ी थोड़ी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन आती है कोनियम। आप कोनियम 1 mg पोटेंसी में 3 दिन में 1 बार लेंगे, सुबह सुबह खाली पेट 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर, और उस दिन आप R41 नहीं लेंगे, उसके बाद से आप R41 लेना शुरू कर दें 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार, निश्चित रूप से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको जेनाइटल ऑर्गन्स में कमजोरी होती है, यानी कि संबंध बना पाने में असमर्थ होते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी आना शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में आप डामियाना ले सकते हैं। डामियाना क्यू पोटेंसी में लीजिए 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार और R41 को 10 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर दिन में 3 बार खाना खाने से पहले लेंगे और डामियाना को खाना खाने के बाद लीजिए, निश्चित रूप से जो आपका मानसिक कमजोरी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है और धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाती है। अगली मेडिसिन की बात की जाए तो ये है बहुत ज़्यादा काम करने के वजह से अगर थक जाए, पतली दुबली जो औरतें होती हैं उनको काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा तनाव आता है और काम करने की वजह से वो खाना खा नहीं पाती, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनको कमजोरी होना शुरू होता है और फिर वो मानसिक कमजोरी के रूप में बदल जाता है। तो ऐसे मानसिक कमजोरी को में भी आप R41 का इस्तेमाल कर सकते हैं। R41 बहुत बेस्ट मेडिसिन है मानसिक वीकनेस का, और R41 के साथ साथ ऐसे लेडीज़ जो पतली दुबली हैं, जिनको बहुत ज़्यादा धात की बीमारी रहा है, बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया की शिकायत रही है और उसके बाद वो कमज़ोर होती जा रही हैं, तो उनको सीपिया 3x पोटेंसी में लेना है। 3x पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह सुबह लीजिए और उसके साथ साथ आप R41 को 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए, निश्चित रूप से आपका मानसिक वीकनेस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट भी मिलते हैं जिनको वीकनेस, चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे एक्सेसिव ब्लड गिर जाने की वजह से होता है। अगर ये दोनों वजह से, सीमेन लॉस के वजह से हो या ब्लड लॉस के वजह से हो, अगर ये दोनों वजह से आपको मानसिक कमजोरी होता है तो वैसे कंडीशंस में आपको सबसे बेस्ट मेडिसिन आती है टेस्टीज 3x को आप लेंगे। ये एक तरह का हमारे ऑर्गेनों को
इवेल्युएट करता है यानी बूस्ट करता है, और ऑर्गन्स को बूस्ट करने से आपको जो जितने भी लॉस हुए हैं सीमेन उसको एक तरह से रिकवर कराता है और हमारे ऑर्गन को काफ़ी हद तक रिलैक्स करता है, जिससे कि आप सक्षम होंगे अपनी वीकनेस को कंट्रोल करने में। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने सारे सिम्टम्स बताए हैं और सारे मेडिसिन बताए हैं। अगर आपको जो सिम्टम्स नज़दीक में लगे, आपको लगे कि ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं, तो वो मेडिसिन सेलेक्ट कर लें, और उसके साथ साथ आप R41 10-10 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए। निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगा, और जैसा भी होगा एक बार कमेंट जरूर करेंगे। और अगर कोई सवाल पूछना है वीडियो से रिलेटेड या कोई भी, तो आप मुझसे लाइव क्लिनिक में यूट्यूब पे 11:30 से 12:30 पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। थैंक्स अ लॉट।